आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। प्रतापगढ़ शहर के नीमच रोड पर मंगलवार शाम को एक युवक को आपसी रंजिश के चलते चाकू मारने की घटना के बाद बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के गांव पर हल्ला बोल दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों को गांव में पहुंचने से पहले ही रोक लिया। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया। खेतों में भागते ग्रामीणों में से किसी ने हवा में 12 बोर की बंदूक से फायर भी किया। इसके साथ ही बोतल में पेट्रोल भरकर पुलिस के ऊपर फेंका। इस घटना में डिप्टी बाल बच गए। इस दौरान पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। बाद में ग्रामीण तीनों को छोड़ने की मांग को लेकर अड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के भारी जाप्ते सहित जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। चाकूबाजी की घटना के विरोध में सुहनपुर गांव के ग्रामीणों के साथ ही आसपास के अन्य गांवों के ग्रामीणों ने विरोध जताने व कलेक्टर को आरोपियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की। पुलिस के रोकने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को खेतों में खदेड़ दिया। इस दौरान भागते हुए ग्रामीणों में से किसी ने बंदूक से हवा में फायर कर दिया। इसके साथ ही पेट्रोल पुलिस की ओर उछाल दिया, जो डिप्टी गोपाल लाल के पास आकर गिरा। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जाप्ते सहित जिले के सभी थानों के जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रण में किया। मामले की गंभीरता को लेकर कलेक्टर भनवर लाल मेहरा व एसपी शिवराज मीना भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें छोड़ने की बात को लेकर ग्रामीण अड़ गए। तीन घंटे तक चले समझाइश के प्रयास के बाद तीनों को शांति भंग में गिरफ्तार कर पाबंद कर छोड़ा गया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। इधर आक्रोशित भीड़ ने एक केबिन को भी आके हवाले कर दिया। खबर आपकी राजस्थान से दिलीप टाट की रिपोर्ट।